हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आप लोगों का आर के सरन ऑनलाइन क्लास में स्वागत है हम लोग एडिटेरिया का सेट लगा रहे हैं बिहार दरोगा का सेट लगा रहे हैं ठीक है हम लोग ऑलरेडी एक से बारह सेट लगा लिए हैं जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके प्ले करें देखें आप कोशिश करें सिक्सटी प्लस सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी प्लस लाने का ठीक है आज हम लोग कोशिश आज हम लोग ट्राई करेंगे थर्टीन प्रश्न पत्र जो तेरह है उसको बनाएंगे और इसमें भी कोशिश करेंगे सेवेंटी प्लस लाने का ठीक है तो चलिए बिना तरीके हम लोग स्टार्ट करते हैं देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ए आई एफ एफ ने वर्ष 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया है तो इसका आंसर क्या होगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो फुट फुटबॉलर है उन्हें किसे मिला है तो इसका आंसर होगा ए गुरु गुरप्रीत सिंह संधू किसे मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को मिला है पाला है, और जो वुमेन्स है आपको महिला फुटबॉलर का पुरस्कार आपको संजू यादव को मिला है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हो गया वे किस सेना की किस सेना की महिला पहली महिला अधिकारी रही है तो वायुसेना की रही है क्या रही है वायुसेना की रही है विंग कमांडर आपको विजय लक्ष्मी रमनन का जो निर्धन हुआ है आपको 96 सिक्स के एज में हुआ है और वे ये जो थी आपको वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी और वायु सैनिक जो विभिन्न अस्पतालों में उन्होंने स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया है वर्ष 1977 में कितना वर्ष 1977 सौ सतहत्तर में उन्हें आपको विशिष्ट सेवा प्रदक प्रदान भी किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास देखते हैं किस राज्य की तोलिया रुमाल को किस राज्य की राज्य की तेलिया रुमाल को आपको ट्वेंटी ट्वेंटी के जी आई मिला है आपको तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा आपको बी तेलंगाना क्या होगा तेलंगाना और यहाँ के आपको सी एम कौन है आपको के चंद्रशेखर राव कौन है के चंद्रशेखर राव ठीक है और यहाँ के जो गवर्नर है गवर्नर कौन है तालिसाई आपको सुंदर राजन इस नाम को याद कर लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको तैलीसाई आपको सुंदर राजन या इन्हें आपको बनाया गया है पुदुचेरी का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है एडिशनल चार्ज के रूप में किरण बेदी जी को हटाकर ठीक है तो इसलिए ये आपके करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपको तैलीसाई सुंदर राजन ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नसीम अल बहर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है आपको तो इसका सही आंसर होगा ओमान क्या होगा ओमान ठीक है यह आपको भारत और ओमान के बीच में नौ सैनिक जो नौ सैनिक सेनाओं का अभ्यास हुआ है आपको द्विपक्षीय सैनिक का अभ्यास हुआ है यह आपको जो हुआ है बारवां संस्करण बारवा संस्करण आपको गोवा के मोरूमुगाव तट पर हुआ था ठीक है मोरूमुगांव तट पर हुआ है बारवा संस्करण चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड नाइन्टीन को किस दिन वैश्विक महामारी घोषित किया था तो इसका सही आंसर होगा ग्यारह मार्च 2020 11 मार्च 2020 और जो सबसे पहले इंडिया में जो किस राज्य ने घोषित किया था हरियाणा ने घोषित किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन सा, केंद्र शासित प्रदेश से मेरा वतन ऐप जारी किया तो इसका आंसर होगा आपको जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे उन्होंने उनके द्वारा ये मेरा वतन ऐप जारी किया गया और इस ऐप के माध्यम से कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों अपने वेतन और अन्य वितरण संबंधी जो जानकारी होगी वो प्राप्त कर सकेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से युवा स्वाभिमान योजना का संबंध किस राज्य से है आपको तो इसका आंसर होगा आपको आंसर सी मध्य प्रदेश क्या होगा मध्य प्रदेश के जो सरकार है मध्य प्रदेश सरकार है जो उनके द्वारा आपको युवा स्वाभिमान योजना चलाया गया था आपको शुरू किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था शहरी निकाय में जो आपको 21 साल से 30 साल तक के जो उम्र के जो युवा हैं जो बेरोजगार युवा हैं उनको क्या किया जाएगा लगभग एक साल के अंदर एक साल में मतलब टोटल एक साल में आपको सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ठीक है और ये और उनकी जो भी रुचि जिस ट्रेड में होगी उनको उस ट्रेड का उसका कौशल विकास जो भी होगा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा क्योंकि तो जिससे कि वो भविष्य में अपनों मतलब उन्हें कुछ रोजगार मिल सके स्थायी रोजगार प्राप्त कर सके वो ठीक है एक साल में सौ दिन और वहाँ के सी कौन है आपको सी हो गए शिवराज सिंह चौहान ठीक है और यहाँ के गवर्नर कौन है आनंदीबेन पटेल ठीक है आनंदीबेन पटेल चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है पीएम आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष अब अ, किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य रखा गया है आपको तो ये रखा गया 2022 तक रखा गया है ठीक है 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी जो आया है आपको वो स्टार्टिंग किया गया था 25 जून 25 जून 2015 को शुरू हुआ था जो कि आपको 2022 में आपको लक्ष्य रखा गया कि गरीबों को आवास प्रदान करने का ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आर्थिक समीक्षा के अनुसार आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष दो हजार 20 में किस उद्योग के उत्पादन में आपको सर्वाधिक दर्ज की गई है आपको उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है आपको ठीक है इस, इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए उर्वरक फर्टिलाइजर में आपको सबसे जो आर्थिक समीक्षा जो के अनुसार और 2019-20 के अनुसार आपको आ, के उद्योग में आपको उत्पादन में आपको सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है वो उर्वरक फर्टिलाइजर में की गई है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या ऑनलाइन लेन देन ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसका इसका आंसर होगा आर बी आई आर बी आई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उनके द्वारा आपको देश भर के भुगतान के लिए डिजिटल कर, डिजिटलीकरण के लिए आपको जो भी भुगतान होता है उसका सूच मतलब उसका पता लगाने के लिए ये सूचकांक बनाया गया है और ये जो आर है उसका जो मतलब स्थापना किया हुआ था इस्टेब्लिश किया हुआ था नाइनटीन में ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है इसका आंसर होगा बांका क्या होगा बांका बांका में सर, आपको सर्वाधिक वन जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जो वन वृद्धि हुई है और वो कितना हुआ सर्वाधिक ट्वेंटी परसेंट जो ट्वेंटी बीस सात तीन वर्ग किलोमीटर में हुई की वृद्धि हुई जब को आपको अब आप मुजफ्फरपुर में अगर देखेंगे देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में हुआ है उन्नीस दशमलव आठ दो वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में इस लगाया गया है आपको तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में लगाया गया है कहाँ लगाया गया मध्य प्रदेश में आपको सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है आपको और ये जो बिजली उत्पादन करेगा उसमें 600 मेगावाट का करेगा ठीक है जो कि 600 मेगावाट हाल ही में ये एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट मऊ में लगाया जा रहा है कहाँ लगाया मऊ ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूएस ओपन यूएस ओपन 2020 में आपको महिला ट्वेंटी ट्वेंटी में महिला एक विजेता है वो कौन है आपको तो इसका आंसर होगा नोमी ओषा कौन होगी तो इसका अगर आप लोगों ने सुबह का करंट अफेयर देखा होगा खुशी ने देखा होगा तो इसका आंसर ईजिली से आप दे दोगे जो नोामी ओशा का जो यूएस ओपन ट्वेंटी में आपको है तो उसमें महिला एकल विजेता है नोामी ओशा का जो कि जापान से बिलोंग करती है कहाँ से जापान से बिलोंग करती है ठीक है जबकि उप विजेता बेलारूस की आपको विक्टोरिया अजारिका है ठीक है और इनके द्वारा जो मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता जा चुका है ठीक है कब कब 19 और 21 में 2019 और 21 में ऑस्ट्रेलिया ओपन ने इन्होंने जीता था और जो यूएस ओपन है आपको कब कब जीता है दो हज़ार और 20 में भी जीता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं किस अरब देश ने पहला नाविक ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है तो इसका आंसर होगा इसका क्या होगा आंसर इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात जो बड़ा परमाणु संयंत्र के नाम से आपको पहला नाविक ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला आपको जो है संयुक्त अरब अमीरात जो है पहला देश बन गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं द एनी स्कूल द एनी स्कूल नामक आ, नामक पहल की घोषणा किसने की थी तो इसका आंसर क्या होगा बी गूगल ने आप किसने गूगल ने आपको एनिवे स्कूल नाम की नामक जो पहल की घोषणा की थी ठीक है वर्तमान जो आ, मतलब इसके जो सी हैं आप कौन है सीई जो है सुंदर पिचई सुंदर पिचई ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास किस प्रक्षेपण यात्र किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टो कार्टोसेट जो है थ्री तथा तेरह अन्य नैनो सैटेलाइट का प्रक्षेपित किया गया है तो इसका आंसर हुआ आंसर ए पी सी जो फोर्टी सेवन है उसके द्वारा आपको कार्टोसेट जो है कार्टोसेट थ्री तथा अन्य तेरह जो नैनो सैटेलाइट है वो नवंबर नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था प्रक्षेपित किया गया था और जो आपको देखिए आर आई आर आई एस ए टी आर आई एस सी टी जो इसे ये है टू बी इसका जो है आपको पी एस एल वी फोर्टी फाइव है कौन है पी एस एल वी फोर्टी फाइव ठीक है और जी से थर्टी अरेना का जो है उपग्रह आप कौन सा है फाइव ए फाइव वी ए फाइव वी ए टू फिफ्टी वन ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन कहाँ किया गया है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपको नई दिल्ली में है सामाजिक शक्तिकरण हेतु जो उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमता सम्मेलन जो है आपको 2020 का आयोजन आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस आयोजन में आपको स्वास्थ्य कृषि शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी समेत अन्य क्षेत्रों में आपको सामाजिक सक्तिकरण समावेश और परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पर चर्चा किया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक ट्वेंटी ट्वेंटी 2020 में आपको भारत का स्थान क्या रहा आपको तो भारत का स्थान आपको रहा 117 रहा क्या रहा 117 रहा आपको ठीक है और इस को जो सबसे टॉप पर रहा वो कौन रहा रहा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं और यह जो सूचकांक है आपको है वो आपको यह सूचकांक सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है ये भी याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं 117 सौ सत्रह आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई आपको तो इसका आंसर क्या होगा बारह जुलाई बारह जुलाई दो हज़ार बीस को की गई ठीक है आत्मनिर्भर जो भारत अभियान की शुरुआत आपको बारह नवंबर दो हज़ार बीस को किया गया और इसका लक्ष्य जो रखा गया भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संबंध में दृष्टि से रखा गया और इसलिए प्रधानमंत्री ने उसी समय आपको बीस लाख करोड़ कितना बीस लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा भी की थी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है आपको तो इसका आंसर होगा नीना गुप्ता कौन होगा नीना गुप्ता आपको सच कहूँ तो पुस्तक के लेखक हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं और रोमिला थापर ने कौन सा बुक लिखा था इन्होंने थापर रोमिला थापर के द्वारा जो एक सेकेंड रोमिला थापर के जो जो बुक लिखा गया था वो था वाइसेज वाइसेज ऑफ डिसेंट वाइसेज ऑफ डिसेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका आंसर होगा अनिल जैन कौन होगा अनिल जैन अखिल भारतीय संघ के जो अध्यक्ष है के रूप में जो वो बने हैं वो अनिल जैन को नियुक्त किया गया और अनिल जैन आपको प्रवीण जैन के स्थान प्रवीण महाजन के स्थान पर हुए, है। हुए हैं नियुक्त हुए हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है निम्नलिखित में से तो आपको इसका सही आंसर देना इसका सही आंसर होगा क्या क्या होगा क्या ठीक है म्यांमार की जो मुद्रा का जो नाम है वो क्या था और इसकी राजधानी क्या है न्याय नाई प्याय नाइपियाड नाइपिया ठीक है और इसकी जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है विन मिंट विन मिंट ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी एट इस, इस नाम का आप टायर देखे हो गए टी वी पर एड देखते हो टायर आता है ठीक है जो सी ए टी है उसका ब्रांड अम्बेस्टर किसे बनाया गया है किट तो विश्व विरासत दिवस जो आपको प्रतिवर्ष आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है और जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है ठीक है और 18 मार्च को आपको, आपको आयुध आयुध, कारखाना दिवस मनाया जाता है ठीक है आयुध कारखाना दिवस आपको 18 मार्च को 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 29 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाघ दिवस ठीक है चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं आपको तो इसका आंसर होगा ग्रेग बाड़ले क्या होगा ग्रेग बार्कले ठीक है जो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है दुबई में हुए ठीक है दुबई में है और ये जो ग्रेग ग्रेग बड़कले हैं आपको कहाँ के हैं न्यूजीलैंड के हैं कहाँ के न्यूजीलैंड के ठीक है चलिए ने, ने, नेक्स्ट रखते हैं क्या है हमारे पास मणुस्थल पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में किस रासायनिक पदार्थ का लेप होता है तो इसका आंसर होगा क्यूटिन क्या होगा क्यूटिन ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अर्थ ये करता क्या है ये एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है ये भी याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है शिल्वी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है आपको तो इसका आंसर होगा वन संवर्धन क्या वन संवर्धन रेशम कीट पालन से कौन सा होगा सेरी कल्चर कौन सा शेरी कल्चर मधुमक्खी से क्या होगा एपी कल्चर ठीक है एपी कल्चर शेरी कल्चर और शिल्वी कल्चर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास एक सेकंड हिक्स को हटा देते हैं मिर्च जो तीखा होता है उसका कारण क्या होता है ठीक है मिर्च में जो तीखा होता है उसका जो तीक्ष्ण जो होता है वो कारण होता है आपको इसका आंसर होगा आपको आंसर बी कैप्सीजन ठीक है कैप्सीजन जो होता है जो C8 इसका फॉर्मूला होता है C8H27 ठीक है NO3 ठीक है ह� थ्री इसका फॉर्मूला होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं मानव शरीर में किस अंग किस अंग में लसिका को, कोशिकाएं बनती है तो इसका आंसर होगा उपयुक्त हो सभी जो मानव शरीर में के। जो होता है लसिका कोशिकाएं होते हैं हो, वो आपको अस्थिमंजा में भी बनती है तिल्ली में भी बनती है लसिका ग्रंथि में भी बनती है थैम्स ग्रंथि में भी बनती है ठीक है और ये दो प्रकार के होते हैं जो लसिका ग्रंथियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट ठीक है मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा पाचक जो होता है उसमें एंजाइम नहीं होता है क्या है एंजाइम नहीं होता यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है होता है ये नहीं पूछ रहा नहीं होता है इसका आंसर हुआ गैस्ट्रीन जो पाचक एंजाइम होता है मानव तंत्र में होता है वो कौन कौन सा होता है ट्रिप्सिन ट्राइलिन कैपैपिन जो होता है ये सब गैस जो आपको पाचक एंजाइम है जबकि ये जो गैस्ट्रीन है आपको इसका जो जो निर्माण होता है आपको ये एक हार्मोन है जो कि आपको अमानस्य में जो होता है अमाशे में जी कोशिकाएं कौन को सा जी सेल तथा ग्रहणी के द्वारा मुक्त होता है ठीक है बाकी ये सब जो तीन है ट्रैप्सिन पैप्सिन ट्राइलिन जो है आपको इसका निर्माण अग्नाशय अमाशे तथा लार गंथी के द्वारा होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास भोजन एक भोजन का प्रमुख अवयव है क्या है आपको इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट क्या होगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन का प्रमुख अवयव होता है आपको कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है ठीक है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है निम्नलिखित में नेक्स्ट क्या है हमारे शरीर में त्वचा तो तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का, का काम करती है क्या काम करती है आपको तो इसका आंसर होगा आपको ए शरीर में उष्मा का क्षय क्या होता है शरीर में जो हमारे शरीर में जो त्वचा के तल के नीचे जो मौजूद होता है वसा शरीर की उष्मा का क्षय के विरुद्ध क्षय के विरुद्ध आपको अवरोधक का कार्य करती है अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है तथा तो जो शरीर के वातावरण ताप को प्रभाव से बचाती है यह ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है श्वसन क्रिया में वायु श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा नाइट्रोजन क्या होगा नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता जो रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है उसमें जो अंतर शोषण होता है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता जबकि इन सब परिवर्तन होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर को देखिए कौन कौन सा सही है तो एक दो तीन चार ये सब ये चारों को देखना है तो इसमें ये ये हाँ चलिए तो ये देखते हैं फिता कृमि जो है ये आपको सही है ठीक है गोल क्रीमी जो है गोल क्रीमी अलग अलग लिंग में होते हैं ये अलग अलग लिंग होते हैं ये भी सही है फाइलेरिया फाइलेरिया जो है सूत्र कृमि में होता है ये भी सही है और गिनी कृमि एनालिड जो होता है आपको ये गलत है क्या है गलत है ठीक है जबकि जो गिनी कृमि होता है आपको एनालिड में ना होकरिड ना नहीं होता है वो यानी गिनी गिरिमी भी एक सूत्र कृमि होता है जबकि जंतु विज्ञान जो होते हैं जंतु विज्ञान है ये का नाम आपको ड्रैनेकुलस इसका नाम है क्या नाम है एक सेकेंड ड्रैनेकुलस मैडिनिस ड्रैनेकुलस मैडेनिस यह आपको मनुष्य तथा अन्य जो दूसरे स्थानीय का परजीवी जंतु होते हैं उसके सं जो संक्रमण में शरीर में दमा जो दमा होता है उल्टी होती है खुजलावट होते हैं इन सब का ये कारण होता है कारण प्रकट करता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी ए ओ में सी ए का जो ऑक्सीकरण क्या है तो इसका आंसर होगा क्या होगा ए मतलब आंसर है ऑप्शन ए इसका दो होगा जो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या होता है और देखिए उसका माइनस टू होता है क्या होता है माइनस टू होता है सी ए ओ का मान रहा मान लीजिए सी ए ओ का कैल्शियम का, 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 का मान लीजिए एक्स तो क्या हुआ एक्स माइनस टू इजिकल टू तो दो हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या कहता है परमाणु जिनमें प्रोटन की संख्या प्रोटन की संख्या आपको तो संख्या समान न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है तो इसका आंसर क्या होगा समस्थानिक क्या कहलाएगा समस्थानिक कहलाता है समस्थानिक क्या होता है समस्थानिक वो होता है जो कि एक ही तत्व में एक ही तत्व में वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु किंतु

वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बीटा किरण तथा गामा किरण ठीक है बीटा तथा गामा किरण का वेग जो होता है लगभग आपको प्रकाश के वेग के बराबर होता है जबकि जो अल्फा किरण का वेग होता है वो आपको प्रकाश के वेग का एक बटे पंद्रह भाग होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में कौन सा तीन का अयशक है आपको तो इसका आंसर होगा राइट क्या होगा कैसीटीराइट आपको जो तीन है एस तो एन होता है इसका तो इसका अयस्क है ठीक है अल्युमसाइड का एफ होता है हम लोग लिखते हैं और इसका पाय पायरोलोसाइट का लिखते हैं एम एन एम एन होता है एक सेकेंड हाँ एम एन होता है इसका अयस्क और कैल्कोसाइट का होता है कैल्कोसाइट का होता है कॉपर होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है स्टील की जो कठोरता होती है प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो इसका आंसर क्या होगा स्टील की जो कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है तो क्या आंसर होगा कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या होता है कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो स्टील की जो कठोरता होती है वो प्रदान करने के लिए आपको कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं उतना जो इस्पात उतना ही कठोर बनता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित जो वनस्पति तेल के वनस्पति तेल के हाइड्रोजन में वनस्पति तेल के हाइड्रोजन हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में किस तो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है इसका आंसर होगा बी निकेल क्या होगा निकेल होता निकेल जो होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है यह आपको क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है वनस्पति जो होता है तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं पालक में कौन सा अमल पाया जाता है आपको तो पालक में आपको ऑक्जिलिक आग्ज, आग्ज, जो ऑक्जिलिक अमल पाया जाता है क्या पाया जाता है ऑक्जिलिक अमल पाया जाता है पालक में आपको जबकि आंवला में आपको एक् जो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला में ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं वो क्या होता है आपको जबकि आपको उदासीन का ठीक है, वो बैगनी होता है तीनों याद रखिएगा छाड़िया आपको हो गया छाड़िया आपको हो गया नीला जो आपको अम्लीय हो गया वो लाल हो गया ये हो गया अम्ल ठीक है और जो बैगनी होता है, वो होता है उदासीन कौन सा होता है उदासीन ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं धुआं किस प्रकार के विलियन का उदाहरण है आपको तो इसका आंसर होगा गैसों के ठोस क्या है गैस में ठोस धुआं तथा तथा वायु में आयोडीन का जो विलियन होता है वो ठोस विलियन का उदाहरण है जबकि जो कपूर कपूर जो कपूर में वायु का विलियन होता, होता है वो ठोस में गैस का विलयन कहलाता है उदाहरण होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व तत्व के आकार में क्या प्रभाव पड़ता है यह बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है ठीक है परमाणु का आकार में बढ़ता है विद्युत धनात्मक में भी बढ़ता है विद्युत धनात्मक में भी बढ़ता है जो ऋणात्मक होता है उसमें घटता है और जो आई होता है इसमें भी घटता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको तो आपको बताना एक प्रकाश वर्ष आपको इजिकल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू ट्वेंटी पावर फिफ्टीन मीटर या और दूसरा में वन पार्सिक इजिकल टू तो थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाशवर्ष और तीसरा क्या है वन न्यूटन इजिकल टू ट्वेंटी पावर फाइव डाइन और फोर्थ क्या है वन जूल इजिकल टू ट्वेंटी पावर सेवन अर्ग तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ये सभी सही हैं ये सारी चीज सही हैं ठीक है थेके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत, जो किस श्रेणी में उत्तोलक का उदाहरण है आपको तो इसका आंसर क्या होगा ये इसका आंसर होगा द्वितीय जो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें आपको आता है नींबू जो निचोड़ने वाली मशीन होती है और एक पहिया का जो कूड़ा कूड़ेदानी वाली गाड़ी होती है और फिर स्रोता जो होता है ये सब आता है और वही आपको प्रथम वाले में आता है प्रथम वाले में कौन सा आता है कैंची आता है कौन आता है प्रथम में कैंची आता है ठीक है पिलास आता है और सिरसी आता है की उखाड़ने वाली मशीन आती है साइकिल का ब्रेक आता है हैंड पंप आता है वही थर्ड में अगर देखा जाए तृतीय वाले में तो तृतीय में कौन सा आता है आपको चिमटा आता है जो मनुष्य का हाथ होता है इंसान का जो हाथ होता है वो आता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रावेगनिक किरने की खोजकर्ता कौन है आपको प्रावेगनी किरने की जो खोज करता है रीटर है कौन है रीटर है ठीक है और एक्स किरण का कौन है एक्स किरण का आपको ये रॉन्ट जोन है एक्स किरण का ठीक है दृश्य विकरण का कौन है जो आपको न्यूटन है कौन है दृश्य विकिरण का ठीक है और वही आपको अवरक्त किरण अवरक्त जो होते हैं अवरक्त किरण विकरण होते हैं जो अवरक्त विकरण वो उसके हर्षल है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं निकट दृष्टि दोष निम्न में से निम्न निकट दृष्टि दोष होने का निम्न में से कौन सा कारण सही है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपको देखिए शुरू से देखते हैं लेंस की जो गढ़ाई होती है बढ़ जाती है ये गलत है आपको लेंस की जो फोकस दूरी है तो वो घट जाती, <usall>. जाती है ये भी गलत है लेंस की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है ये भी गलत है लेंस की जो क्षमता होती है वो घट जाती है ये सही है जो लेंस की क्षमता होती है आपको पी इजिकल टू लिख के आते हैं हम लोग लिखते हैं वन इजल टू वन अपॉन एफ ठीक है लो जो लेंस का जो ऐसा मात्रक है आपको डायोप्टर है क्या है डायोप्टर डायोप्टर ठीक है डायोप्टर है और निकट दृष्टि दोस्त की फोकस दूरी घट जाती है अतः लेंस की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं फोकस दूरी घटेगा चलिए नेक्स्ट क्या है पृथ्वी की पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है क्या होता है आपको इसका आंसर होगा जो उपग्रह है एक घंटा चौबीस मिनट क्या होगा जो पृथ्वी के जो अति निकट चक्कर लगाने वाले जो उपग्रह का परिक्रमण है वो एक घंटा चौबीस मिनट का होता है जबकि भूस्थायी उपग्रह जो होते हैं उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत आपको पश्चिम से कहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर आपको परिक्रमा लगाते हैं इसका परिक्रमा है? क्या होता है चौबीस घंटा क्या होता है चौबीस घंटा वही उपग्रह जो पृथ्वी तल से लगभग छत्तीस हजार कितना थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं ठीक है, है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है इसका आंसर क्या होगा गामा किरण क्या होगा गामा किरण आपको जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग है इसकी खोज किसने की थी पॉल पॉल विलार्ड पॉल विलार्ड ने एवं पॉल विलार्ड एवं हेनरी बैक्रुल हेनरी ने की थी जबकि आपको नामांकन आपको रदरफोर्ड ने किया था ये याद रखेगा विद्युत चुंबकीय का जो खोज किया था पॉल विल्ड और हेनरी बैकरोल ने किया था जबकि नाम जो दिया था नाम किसने दिया था वो आपको रदरफोर्ड ने दिया था ठीक है वे तरंगे जो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय नहीं हुए हैं वो कौन कौन सा है कैथोड किरण है कैनाल किरण है जो अल्फा बीटा किरण है धोनी तरंग है किरण है ठीक है तरंग होता है चलिए नेक्स्ट देखते भारत में स्थापित पहला आ, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए. इसका आंसर हो क्या होगा सी जिम कॉर्बेट उद्यान जो है आपको जो भारत का जो पहला राष्ट्रीय जो आ, उद्यान जो है आपको जिम कॉर्बेट उद्यान है जबकि इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब कब की गई थी आपको उन्नीस में की गई थी कहा तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित की गई थी ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एम की शुरुआत कब की गई तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 1971 क्या होगा 1971 में आपको इसकी शुरुआत की गई स्थापना की गई यह एक अंतर सरकार की वैज्ञानिक जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है लोगों को लोगों एवं उनके पर्यावरण उनके पर्यावरण के मध्य संबंध को सुधार हेतु आपको वैज्ञानिक आधार पर स्थापना करना ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है आपको ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु में आपको सत्यमंगलम मुडुमलाई अन्नामलाई आदि जो ये सब क्या है आपको टाइगर रिजर्व है ठीक है और यहाँ के चीफ मतलब जो चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कौन है और गवर्नर कौन है तमिलनाडु के आप बताइए तो तमिलनाडु के जो आपको सी आपको एडुपट्डी एडुपटी के पलानी स्वामी ठीक है और यहाँ की जो आपको गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित ठीक है बनवारी लाल पुरोहित चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास पांच मौसमों का बीग जो पांच मौसमों का बाग होता है वो बाग स्थित है कहाँ स्थित है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा महरौली के समीप महरौली के समीप आपको यह इस बाग जो की जो स्थापना की गई थी तीन में की गई थी महरौली आपको कहाँ पड़ता है ये आपको दिल्ली के बगल में एक जगह है आपको हरियाणा के पास महरौली वहां पड़ता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती आपको है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा में जो प्रदूषण की समस्या नहीं होती है देखते हो गए आप मतलब सोलर सोलर लाइट से हम लोग आज गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रहा किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा भी कि कार वगैरह भी मतलब जो भी है आपको मतलब बैटरी पर चलाया जाए या सोलर पर यूज किया जाए जो सौर ऊर्जा है ऊर्जा की एक विशिष्ट रूप है इससे क्या होता है आपको प्रदूषण की समस्या नहीं होती भारत सरकार दो तक आपको कब दो तक आपको सौर ऊर्जा का उत्पादन आपको हंड्रेड हंड्रेड गीगावाट वाट क्या हंड्रेड गीगा वाट आपको रखा रखा है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है राष्ट्रीय पार्ण, बागवानी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा दो क्या होगा दो हज़ार पाँच आपको जो कृषि एवं सहकारिता विभाग के विभाग ने आपको बाग जो बागवानी के क्षेत्र में संपूर्ण वि, जो विकास के लिए आपको राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत आपको 2005 में की गई इसका जो उद्देश्य है प्रमुख उद्देश्य है आपको इस उद्देश्य है इस क्षेत्र में आपको आधारित प्रादेशिक रूप से विविधित आपको कार्यनीति के द्वारा आपको बागवानी के उत्पादन में वृद्धि करना ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा डॉक्टर पीधर मॉडल कौन सा डॉक्टर पीधर मॉडल तो इस ये जो आपको योजना का कार्यकाल था ये कब का कार्यकाल था आपको 1974 नाइनटीन सेवेंटी फोर टू नाइनटीन सेवेंटी नाइन ठीक है 1979 सेवेंटी नाइन और इस योजना के जो हेड थे आपको डॉक्टर पीधर मॉडल इनके आधार पर इन मॉडल इनके मॉडल पर पंचवीं पंचवर्षीय योजना किया गया था चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है देश में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की कि घोषणा कब की गई आपको तो इसका आंसर क्या होगा आपको 6 अप्रैल 1948 देश की पहल देश में जो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा आपको डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के द्वारा आपको 6 अप्रैल 1948 को की गई 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के द्वारा इस नीति में आपको सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की जो निजी निजी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के जो महत्व को स्वीकार करना था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते नेक्स्ट क्या है निम्न में से किस मुद्रा को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए क्या होगा एम वन ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पीछे भी कराया है मतलब पीछे के सेट में शायद चार या पा, पाँच के लगभग में सेट में उस समय कराया था तो इसका आंसर क्या होगा एम वन को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है क्या कहा था संकीर्ण मुद्रा क्योंकि इसकी जो तरलता होती है सबसे अधिक होती है और निवेश इस निवेश में जो इसकी भूमिका होती है नहीं के बराबर होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश में पहली बार आपको वाणिज्य बैंकों की राष्ट्रीयकरण जो किया गया था तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी किनके द्वारा जो इनके कार्यकाल में आपको राष्ट्रीयकरण जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया था ठीक है ये सन नाइनटीन सिक्सटी नाइन कन सन 1969 में आपको पहली बार चौदह प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया था ठीक है उस समय चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सहस्त्र विद्रोह शब्द को किस संशोधन में शामिल किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन टी चौवालीसवां संविधान संशोधन जो अनुच्छेद आपको, आपको आर्टिकल 352 में जो नया उपबंध आया है 1978 में आया है जो आ, में दिया गया है इसकी आपात स्थिति में जो आपातकाल की स्थिति में आपको आ, के लिए आपको जो भी कारण होगा एक कारण आपको सशस्त्र विद्रोह होगा क्या होगा सशस्त्र विद्रोह होगा आंतरिक विद्रोह आंतरिक अशांति यदि यह एक सशस्त्र विद्रोह में नहीं हुआ तो यह एक आपात स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं संसद में काल होता है ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको है। ये आंसर होगा जब अत्यधिक अच्छा मह, जो महत्व के जो मामले उठाए जाते हैं उस समय ये काल होता है प्रश्न का ये काल के बाद आता है चलिए नेक्स्ट चलते हैं राज्यसभा किसे राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको है तो इसका आंसर क्या होगा देखिए शुरू से देखते हैं कौन सा कथन सही है गलत है तो इसके आधे सदस्य प्रतिवर्ष दो वर्ष आ, के अवकाश प्राप्त करते हैं तो ये सही है आपको है नहीं ये गलत है यहाँ पूछ रहा कौन सा सही पूछ रहा है आपको है तो नेक्स्ट क्या कहता है इसके इसके आधे सदस्य तीन वर्ष के अवकाश प्राप्त करते हैं ये भी गलत है आपको तो नेक्स्ट क्या कहता है इसके एक तिहाई सदस्य आपको प्रति प्रति दो वर्ष के वर्ष में अवकाश प्राप्त करते थे ये सही है ठीक है ये आधे दे रहा था कि नहीं आधे नहीं एक तिहाई वन थर्ड ठीक है और नेक्स्ट क्या कहता है इसके एक तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष आपको अवकाश प्राप्त करते थे ये भी गलत है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं यह आपको आर्टिकल एटी अस्सी के तहत आपको है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के किस देश की शब्दावली से ली गई है आपको तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी जापान जो आपको विधि की जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है आपको आपको जापान से ली गई है चलिए नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की आ, की गई है आपको तो इसका आंसर क्या होगा अनुच्छेद टू फोर थ्री डी दो सौ तैतालीस डी पंचायतों में आपको जो महिला और महिलाओं भारतीय संविधान के जो आ, जो दो डी के तहत आपको अनुच्छेद द्वारा अनुच्छेद के द्वारा आपको पंचायतों में आपको महिला और आ, के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है चलिए ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं भारतीय संविधान के छठी अनुसूची अनुसूचित किस राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के लिए के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती है तो इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा मणिपुर क्या होगा मणिपुर भारत की जो सातवीं जो भारत के जो सात उत्तरी पूर्व सेवंथ जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है आपको कौन में से आपको चार कौन कौन सा असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा त्रिपुरा जो राज्य हैं वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करते हैं परंतु जो मणिपुर है आपको आपको इस राज्य का जो उपबंध होता है वो शामिल नहीं है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं भारत का पच्चीसवां न्यायालय उच्च न्यायालय कहां कौन सा आपको तो क्या होगा डी अमरावती जो अमरावती का उच्च न्यायालय जो आपको 25वां उच्च न्यायालय ये अनुच्छेद दो सौ चौदह के तहत है इसकी स्थापना आपको आपको एक जनवरी दो हजार नौ को की गई थी ठीक है एक जनवरी दो हजार उन्नीस को की गई थी ठीक है नौ नहीं उन्नीस सॉरी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में की भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में कितने विषय हैं आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा उन्तीस क्या होगा उन्तीस है भारत की जो संविधान की ग्यारहवीं सूची है आपको उनतीस विषय तथा बारहवीं सूची में आपको अट्ठारह है ठीक है बारहवीं में चलिए नेक्स्ट चलते हैं बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा आपको किस अनुच्छेद के माध्यम से आपको श्रमिकों के उपबंध श्रमिकों के प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई है आपको तो इसका इसका आंसर आंसर क्या होगा इसका होगा फोर्टी थ्री ए ठीक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको अनुच्छेद तैतालीस ए के तहत आपको उद्योगों के प्रबंध श्रमिकों को भाग लेने का वर्णित है जबकि अनुच्छेद तैतालीस के तहत आपको श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है चलिए नेक्स्ट चलते हैं संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव ला लाया जा सकता है उस सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है तो इसका आंसर क्या होगा एक बटे चार सदस्य वन बाय फोर्थ महाभियोग जो सदस्य का जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन उस संसद के जो सदस्य के जो होंगे एक बटे सात एक बटे चार सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है नेसेसरी है नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल कौन निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है आपको इसका आंसर क्या हो इसका आंसर होगा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य ठीक है राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो उनकी नियुक्ति जो होती है आपको राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के द्वारा तथा प्रदचित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है चलिए नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ठीक है नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं चलिए शुरू से कैप्लर कैपलर जो है जो ग्रह कक्षाओं के निर्माण की खोज करता है यह भी सही है कॉपलर कॉपर निकष जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यह भी सही है क्लाडियस टॉलमी जो भू केंद्रीय सिद्धांत यह भी सही है गैलीलियो ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा तो ब्रह्मांड में आपको अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व यह गलत है जो आपको गैलीलियो के द्वारा है आपको आपको एड जग देखो एडवन जो एडवन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है अब ब्रह्मांड में अनेक जो अनेक को, जो आकाशगंगाओं को अस्तित्व में इनके इन्होंने ही बताया था और जबकि और कोई गैलेक्सी पृथ्वी से जितनी दूर होती है उससे आने वाली प्रकाश का जो डॉपलर प्रभाव होता है उतना ही अधिक होता है यानी उसमें उसकी जो लालिमा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है प्रतीत होती है चलिए नेक्स्ट चलते हैं रेट्राइड वेल्ट रेट्रॉइड वेल्ट रेट्रॉइड वेल्ट।, वेल्ट की जो उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बृहस्पति और मंगल ठीक है रेट्राइड जो वेल्ट आपको ये आपको बृहस्पति और मंगल के जो मध्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ठीक है करने वाले छोटे छोटे सेल के टुकड़े होते हैं आपको आ, और इसका जो पहला छुद्र ग्रह है वो कौन है आपको शेर कौन सा ठीक है ये याद रखिए जो कि आपको 1800 1819 में आपको यूरोप के पियाजी के द्वारा खोजा गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं सूर्य ग्रह सूर्य ग्रहण द्वारा सूर्य ग्रहण होता है कब होता है आपको तो ये बताना है तो इसका आंसर होगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं अवसादी सेल निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है गलत है तो इसका आंसर क्या होगा देखिए ये शैलें जल में निर्मित जल में नहीं निर्मित हो सकती जबकि इसका होगा आंसर ये शैलें जल में निर्मित हो सकती है ठीक है प्रकृति के कारकों के द्वारा प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित तो जो छोटी छोटी चट्टाने होती हैं वो किसी भी स्थान पर जमा होने लगती हो जाती है और बाद में ये क्या करता है दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद या अन्य कारकों के द्वारा आपको परत छोटी परत जैसी छोटी रूप में निर्माण होता है इसे ही हम लोग अवसादी शैल कहते हैं अवसादी शैल का निर्माण आपको जल जल वायु या हिमानी जो हिमानी किसी कारण के द्वारा होता है अवसादी चट्टान आपको पड़दर जो रूप से पाई जाती है खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं कालपोंग कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित आपको है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ए अंडमान निकोबार कालपोंग जो जल विद्युत परियोजना है आपको अंडमान निकोबार आपको निकोवार की पहली जल विद्युत परियोजना है यह आपको 5.2 मेगावाट 5.2 मेगावाट आपको उत्पादन कित? इसके द्वारा की जाती है चलिए नेक्स्ट करते हैं किन्नौर गद्दी किन्नौर गद्दी किस राज्य के प्रमुख जनजाति समूह है आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है तो इसका आंसर होगा एवरडिन स्कॉटलैंड ठीक है एवरडिन एवरडिन स्कॉटलैंड को हम लोग ग्रेनाइट आपको सिटी के नाम से जानते हैं और फिलाडेल्फिया को किस नाम से जानते हैं कोईकर सिटी कौन सा एक सेकेंड को सिटी के नाम से और हम लोग न्यूयॉर्क को किससे जानते हैं न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी से एम्पायर सिटी से ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस देश में मेस्टा की मेस्टा का पठार स्थित है आपको है तो इसका आंसर क्या होगा ए स्पेन क्या होगा स्पेन में आपको दक्षिण जो दक्षिण यूरोप के जो स्पेन में आइबेरिया प्रायद्वीप पर मेस्टा का पठार स्थित है फ्रांस और स्पेन के बीच आपको आ, फ्रांस और स्पेन के बीच आपको ये इन दोनों के बीच में आपको निज पर्वत है आपको पाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है में से कौन सा वृहत हिमालय का जो महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं आपको तो इसमें से आपको कौन सा होगा इसका आंसर दो और तीन मतलब कंचनजंगा और नंगा जो नंगा पर्वत है आपको कंचनजंगा नंगा पर्वत कामेट आपको कामेट नामचा नामचा पर्वत आदि जो होती है, है आपको वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं आपको वही आपको पीर पीर पंजाल धो धोलाधड़ नागटिया नाक्ति, नागटिबा आदि जो हो है लघु हिमालय का आपको प्रमुख चोटियां हैं ठीक है ठीके? ये आपको लघु चोटी लघु हिमालय जो कि हिमा, हिमालय की चोटी है ये आपको वृहद हिमालय की चोटी है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा पठार आपको भारत का भारत का रूढ़ भी कहा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार आपको छोटा नागपुर का जो पठार होता है है आपको भारत का रूढ़ कहा जाता है और छोटा नागपुर का जो पठार है सबसे उच्चतम बिंदु जो आपको पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं तेरह मीटर है और झारखंड राज्य का जो अधिकतर हिस्सा है वो हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड का जो कुछ हिस्सा है इस पठार में के अंतर्गत आते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा आपको है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी आपको कारक हैं। समुद्र से ऊंचाई, जल जो ऊंचाई महासागरीय धारा, और समुद्र से दूरी ऊंचाई और महासागरीय धाराएं ये सभी आपको आपको, आपको क्या कहते हैं जलवायु को नियंत्रित करने का प्रमुख कारक है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं सिंधु घाटी के लोग किस देवता का पूजा करते थे तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा पशुपतिनाथ का पशुपति जी का ठीक है सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पशुपति जी की पूजा करते थे इसका प्रमाण मोहन जोदारो से मिलता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है आपको तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा नर्मदा नर्मदा घाटी भारत में जो मानव का सर्व सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है वो मध्य प्रदेश का आपको नर्मदा क्षेत्र में प्राप्त हुआ है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऋग्वेद में निम्न में से किस आ, नदी को देवी देवीतमा शब्द से संबोधित किया गया है तो इसका आंसर होगा सरस्वती को आपको आ, जो ऋग्वेद में आपको देवीतमा जो है देवीतमा मा, माते, माते तमा का प्रयोग आपको सरस्वती नदी के लिए हुआ है ठीक है मातेतमा देवीतमा चलिए नेक्स्ट चलते हैं चंपा ने चंपा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी आपको तो, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंग की आपको चंपा राजधानी थी वही आपको कुरु की राजधानी कुरु की राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ सबने जान मतलब इतना देखा होगा महाभारत तो याद हो गया होगा कुरुप की राजधानी इंद्रप्रस्थ मगध की राजधानी आपको मगध की राजधानी राजगिरी कौन राजगिरी ठीक है और काशी की राजधानी आपको वाराणसी काशी की राजधानी आपको वाराणसी ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको युग में तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं 87 का इसका देखिए जो नासिका है नासिक आपको गोतवीपुद ये सही है आपको है हाँ हाथी गुफा खाड़वेल ये भी सही है आपको है आपको गिरनार जो है रुद्र दामन प्रथम ये भी सही है आपको और वित्तीय गुफा है जो आपको भित्री गुफा आपको अभिलेख का जो संबंध है आपको स्कंद गुप्त से है तथा एहोल स्कंद गुप्त से है ठीक है और तथा एहोल अभिलेख का जो उल्लेख है आपको आपको पुल्ले पुलकेशन द्वितीय से है ठीक है ए होल ठीक है पुलिकेशन द्वितीय से है सती प्रथा का प्रमाण जो हमें मिलता है एरन अभिलेख से मिलता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी आपको कदम राजाओं की राजधानी आपको वन वाशी में थी ठीक है कदम और इस वंश की जो स्थापना होती थी आपको स्थापना मयूर शर्मन मयूर शर्मन ने की थी कदम एक ब्राह्मण राजवंश था पल्लव वंश की राजधानी आपको कांचीपुरम में थी ठीक है कांचीपुरम में आपको पल्लव वंश का राजधानी था वंश की राजधानी आपको तंजोर में चोल ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं टोपड़ा और मेट टोपड़ा तथा मेरठ में दो अशोक स्तंभ की को दिल्ली कौन लाया था आपको टोपड़ा और मेरठ से जो दो अशोक स्तंभ थे उनको दिल्ली कौन लाया था तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक फिरोज सा तुगलक टोपड़ा और मेरठ से जो दो अशोक स्तंभ थे उनको दिल्ली फिरोज तुगलक के द्वारा लाया गया था और इसका जो शासन काल था आपको तेरह से आपको तेरह ईस्वी तक था तथा इसने जो खैरत विभाग की स्थापना की कौन सा खैरत खैरियत विभाग की स्थापना की तथा ब्राह्मणों के पर जजिया लगाया क्या लगाया ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं जवाब जवाबी तिक्का संबंध किससे था आपको तो इसका आंसर होगा राज्य कानून से था जवाब जवाबित जो जवाबित का ये अलग है जवाबित का जो संबंध है आपको राज्य कानून से था आपको इसे राज्य संचालन से संबंधित नियमों का वितरण जो विवरण है उसके लिए क्या आता है चलिए ठीक है नेक्स्ट चलते हैं रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था आपको तो इसका आंसर होगा पश्चिम घाट ठीक है पश्चिम घाट में रहने वाली रामोसी जाति की जो है रामोसी जाति के जो लोग हैं आपको 1800 सन 1822 में आपको आ, अपने नेता के जो नेता हैं आपको चेतर सिंह कौन नेता चेतर चेतर सिंह के नेतृत्व में तो आपको रामोसी विद्रोह किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं सतत प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है थी आपको तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती के द्वारा अठारह में ठीक है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था नेक्स्ट चलते हैं लाल लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था तो इसका आंसर क्या होगा मैजनी को लाल लाजपत ने अपना जो राजनीतिक गुरु माना था ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं लाहौर षयंत्र कांड में किस के नेता को फ्रांसीसी नहीं हुई थी फांसी नहीं हुई थी सॉरी लाहौर संयंत्र कांड में किस क्रांतिकरण नेता नेता को फांसी नहीं हुई थी।, थी इसका आंसर क्या होगा बटुकेश्वर नाथ को लाहौर संयंत्र जो मैं आपको बटुकेश्वर नाथ को आपको फांसी नहीं हुई थी इन्हें कालापानी की सजा हुई थी क्या हुई थी पानी की सजा हुई थी, थी? सजा देकर सेलुलर जो जेल है अंडमान में वहां भेज दिया गया था शेष जो ये तीन है आपको सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को तेईस मार्च उन्नीस को फांसी दे दी गई थी ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था किसके द्वारा हुआ था ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा इसके द्वारा हुआ था चिदम्बरम पिल्ले क्या होगा चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा आपको उन्नीस सौ अगस्त 1905 में हुआ था ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित व्यक्ति व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के रूप में शामिल नहीं थे कौन शामिल नहीं थे आपको तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह आपको शामिल नहीं थे जबकि आपको राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी और नरसिंह जो नरहरी परीख जो थे ये सब आपको गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे और कृष्ण सिंह कौन थे ये भी आप जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए श्री कृष्ण सिंह सो तो ये थे हमारे जो बिहार के सीएम थे फर्स्ट सीएम ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं ए और बी मैथ का कुछ क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्या करा है ए और बी किसी कार्य को अठारह अट्ठारह और पंद्रह दिन में पूरा कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं करते हैं और उसके बाद बी कार्य को छोड़ देता है और शेष कार्य आपको ए के द्वारा पूरा किया जाता है तो पूरे किए हुए कार्य को कितने ए कितने दिन में पूरा करता है चलिए इसको देखते हैं बना के तो देखिए ए ए ए बी तो इसको यहाँ मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ ठीक है तो समझ जाइएगा अठारह पंद्रह मतलब ए और बी है ए और बी है ठीक है तो इसके द्वारा अगर इसके इसका मैं अल्सियम निकालूंगा तो कितना आएगा नाइन्टी आएगा और ये क्या होगा अठारह पंच नब्बे और पंद्रह छः के नब्बे तो टोटल का काम कितना हुआ ग्यारह हुआ मेरे पास कितना हुआ काम हुआ यहाँ कह रहा है मतलब छः पाँच दिन में एक दिन में काम ग्यारह मतलब एक दिन का काम है ग्यारह तो पाँच दिन का कितना हुआ ग्यारह पचपन होगा ठीक है पचपन काम हो गया अब मुझे कितना हो गया टोटल नब्बे था नब्बे में से पचपन गया तो कितना निकल पैंतीस इस तरह से करेंगे तो मुझे आंसर निकल के आ जाएगा सात चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसी संख्या को पहले दस परसेंट बढ़ाया फिर बीस परसेंट बढ़ाया तो मूल संख्या का कितना परसेंट परसेंट आपको की वृद्धि हुई तो मान लीजिए अगर सौ है किसी संख्या को दस परसेंट बढ़ाए तो कितना आएगा दस परसेंट अगर बढ़ाते हैं तो क्या है एक सौ दस आया अगर इसी को बीस परसेंट बढ़ा देते हैं तो एक सौ दस का बीस परसेंट क्या होगा बाईस हुआ तो बाईस को इसको एक सौ बत्तीस हुआ तो सौ का एक सौ बत्तीस कितना हुआ बत्तीस परसेंट का इंक्रीज हुआ तो क्या आएगा बी आएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स एक एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल हैं तो वन अपोन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपन बीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए तो देखिए इसका सीधा सीधे आंसर अगर निकाल के आ, निकालते हैं इस, रुकी सबको हटा देता हूँ पहले रब कर देता हूँ ठीक है चलिए आप निकालते हैं देखिए इसका आंसर क्या होगा देखिए अगर हमें अल्फा बीटा को इसका जो एल्सियम इसका मैं एल्शियम लेते हैं LCM ले लेते हैं तो क्या आएगा इसका एल्शियम आ जाएगा देखिए ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो ए, ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मुझे हम लोगों को पता है ए स्क्वायर एक सेकेंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब अल्फा इंटू बीटा और नीचे क्या अपन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं इस पर आ, हम लोगों को फार्मूला ये पता है ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस, प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है ठीक है इसका स्क्वायर आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय अगर इस तरह अगर निकालते हैं हम लोग तो अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इस पर तो इसका ऑप्शन निकल के आता है मुझे इसका आएगा आंसर ए ठीक है आप निकालने का को कोशिश कीजिएगा तो निकल जाएगा आप कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा मैं बता दूंगा इसका आंसर नेक्स्ट क्या कहता है ने आ, कितने समय में तीन परसेंट वार्षिक दर से आपको आठ हज़ार का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना आपको चार परसेंट वार्षिक दर से आपको छः हज़ार रुपये का जो छः हज़ार रुपये का साधारण ब्याज आपको पाँच पाँच वर्ष में होता है देखिए क्या कहा तीन वर्ष में तीन परसेंट का वार्षिक ब्याज कितने वर्ष में तो टी टी मान दीजिए कितना आठ का ठीक है निकल के आ गया इतना ये उतना एक, उतना ही होगा जितना आपको चार परसेंट का आपको छः हज़ार रुपये का कितना आपको पाँच तो ये अगर निकालते हैं तो ये अब अगर कोशिश की आप ट्रायल कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा पाँच वर्ष क्या निकल के आ जाएगा पाँच वर्ष ठीक है आप ट्रायल कीजिएगा आप बनाने कोशिश की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी पाँच ठीक है और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा चलिए यहाँ पे एंड करते हैं हम और इसका पी चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए उसका जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ चलिए ओके बाय थैंक यू आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करते, करते रहिए ओके बाय थैंक यू